पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो आने वाली पीढ़ियों को संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आज से हम सब मिलकर पानी को बचाएं। ये बात भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित जल संचय विशाल कृषि मेले में किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, अभी हम जहां रह रहे हैं वहां पानी की समस्या नहीं है, खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। आज अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी कहाँ से खेती करेगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जल संचयन की बताई गई विधि के अनुसार अपने खेतों में पानी का संचयन करें। जल संचयन कृषि मेले में वर्षा जल बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में तरह तरह की मेड़ बनाकर किसानों को विधि बताई गई। किसानों ने बताया कि मेले के माध्यम से उनको वर्षा जल बचाने के लिए कई तरह की विधियां बताई गई हैं, जिसको वो अपने खेतों में अपनाकर पानी को बचाएंगे। आपको बता दें कि देश में 256 जिले जल संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें कन्नौज जिला भी शामिल है। पानी का संकट न खड़ा हो जाए, इसलिए हमारे कन्नौज में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती को बढ़ावा दिया जाए, उन्नत किस्म के बीज तैयार है, पानी की कम लागत हो। मित्रों, यह बात सदन में रखी है तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर कम से कम अपने कन्नौज में, अपने कन्नौज के क्षेत्र में, चूंकि जलालाबाद ब्लॉक भी शायद डार्क जोन में है, तो मित्रों इस बात को समझा जा सकता है कि आने वाले 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद यहाँ के ऊपर किन प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए मैं आप सबसे बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आज आप सबसे बस यही अपील इस कार्यक्रम के माध्यम से कर... जल शक्ति अभियान के तहत ये केंद्र सरकार के निर्देश पर जारी कार्यक्रम है। ये लोगों को जागरूकता लाने के लिए, किसानों को जागरूकता लाने के लिए कि वो अपने खेती में वर्षा के जल का संचयन करें, इसी को लेकर यह कार्यक्रम। किस तरह का संदेश देना चाहें किसानों को, किस तरह से? निश्चित रूप से किसानों को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले समय के लिए जल बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस जल को स्टोरेज करना या जल हमारे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इंतजार करेंगे। उमेश चंद तिवारी, उनकी असीम इच्छा है, कृषि विज्ञान केंद्र अनौगी पर आया हूँ, जागरूक लोगों से मिलना, आप जैसे ये पानी के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि जल को बचाएं, जल संरक्षण के बारे में बताया गया है, इससे बहुत किसानों को लाभ होगा और जितने जनता है उसको सबको लाभ होगा। चाहते हैं और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप सबसे अनुरोध है, यही इससे हम लोगों को यही लाभ मिला कि पानी सीमित मात्रा में खर्च करें, व्यर्थ में ना फैलाएं, पानी को बचाएं। घर में भी रहेंगे तो भी इतनी लगेगी। हाँ, हमको सब लोगों को यही सीख दी गई, हवा आ रही है तो थोड़ा हिम्मत, इस चीज को बिल्कुल अपनाएंगे, कल की आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों को बहुत जरूरी है इस बात को अपनाना। जल संरक्षण के बारे में किसान मेला, जलालाबाद।